गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय जगभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी भक्तवृंद अजानुलंबितो भुजो कनकवदातो संकीर्तनेक मित्रो कमलाक्षो विषम वरो द्विज वरो युधर्मपादो वंदे जगत ठाकुर कह रहे हैं एक समान ही दोनों की महिमा का गान कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति स्वामी सिंधु में भी कुछ ऐसे श्लोकों को उद्धृत किया जहाँ पर एक साथ ही कृष्ण और बलराम की महिमा का वर्णन हुआ। उसी प्रकार श्री वृंदावनदास ठाकुर जी ने भी श्री गौर नित्यानंद प्रभु की महिमा का बहुवचन एक साथ ही उसकी महिमा का वर्णन किया। अजानुलंबितो भुजो कनक वदातो भुजनि करे भुजो दोनों की श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्य प्रभु की भुजाएं कैसी लंबी घुटनों तक लंबी। कनक वदातो दोनों का वर्ण कैसा है उसे स्वर्ण कांति युक्त है पीत वर्ण क्यों है तो दोनों विषय विक्रम श्री कृष्ण और बलराम परंतु श्री कृष्ण राधा जी की भाव कांति को जो उन्होंने धारण किया वे पीत वर्ण स्वर्ण कांति युक्त हुए एक विशेष भाव से युक्त हुए एक विशेष कारण से उन रसों को उन भावों को आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए दोनों ही श्री कृष्ण बलराम वही श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु जब प्रबंध कराए तो फिर कनक वदातो दोनों का जो वर्ण हुआ वो पीत वर्ण है क्यों दोनों आश्रय विग्रह स्वरूप है तो विषय विग्रह लेकिन आश्रय विग्रह का भाव और क्रांति को स्वीकार किया क्योंकि विषय जाति सुख अमार हलार आश्रय जाति सुख उपाय से मन थाए यत्न स्वादित नारी एक और उपाय यही चिंतित रहे कृष्ण परम सोचती हृदय बड़े सदा लोभ धप थी। श्री कृष्ण के हृदय में भी धप धप होने लगी वो लोभ कि ऐसा क्या है वो राधा जी की महिमा क्या है वो राधा जी का प्रेम क्या है कृष्ण भी उसके चिंतित होने लगे। इसलिए राधा जी की भाव कांति को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा उपाय नहीं जिससे उस रस का स्वादन हो सके। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों ही कनक वदातो और संकीर्त नेक पित्रो कमल आया था दोनों के नेत्र कैसे हैं उनके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं और बड़े सुंदर नेत्र हैं छोटे छोटे नेत्र नहीं बड़े बड़े नेत्र और संकीर्तन एक पित्रों दोनों ने ही संकीर्तन को आरंभ किया और इस महाप्रभु इस जगत में उस प्रेम धन को लेकर आए कौन सा उसे गोलो केरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। इसलिए उस संकीर्तन के प्रवर्तक होते हुए दोनों श्री नित्य प्रभु और महाप्रभु जी इस प्रकार दोनों की महिमा का बड़ा बड़ा गुणगान गा रहे हैं श्री वृंदावनदास ठाकुर जी। विशेष करके यहाँ पर हम जो आए यहाँ पर बहुत सारे नए भक्त लोग आए शायद पहली बार भी आए इसलिए सरल सीधी साधारण भाषा में इससे अवगत हो जाए हम समझ जाएं कि स्थान पर क्या हुआ।
महाप्रभु के बड़े प्रिय, उनके बड़े निकटवर्ती उनके परिकर हुए, जिनका नाम श्री गौरीदास पंडित। सुबह सभा कृष्ण लीला में जो सुबह सखा हुए भगवान के वृंदावन के चार रसों में एक सखे रस है, उन सखों में भी विभिन्न प्रकार के सखा हैं। एक प्रिय नर्म सखा है, एक नर्म सखा है, इस प्रकार से उनमें एक सुबल सखा है। वही श्री कृष्ण के परिकर सुबल सखा महाप्रभु की लीला में गौरीदास पंडित बनकर आए और उनका श्री नित्यम प्रभु और महाप्रभु के चरणों में बहुत गाढ़ा अनुराग है, बहुत अनुराग है। इसलिए ये स्थान कालना में ये गौरीदास पंडित जी का स्थान, जहाँ पर एक बार श्री नित्यम प्रभु महाप्रभु जी आए और श्री गौरीदास पंडित उनकी आराधना अर्चना करने लगे और उनको गुणगान गाने लगे, उनकी सेवा करने लगे। लेकिन भगवान के चरणों में जब आसक्ति हो जाए तो फिर विरक्ति होना बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे आसक्ति हो गई कि जब महाप्रभु और श्री नित्यम प्रभु जाने लगे तो गौरीदास पंडित जी चरणों में गिर गए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं सब समय आपको यहीं पर रखना चाहता हूँ और सब समय आपकी सेवा ही करूँगा। इस प्रकार परंतु महाप्रभु जी नित्यम प्रभु तो कहने लगे हमको तो जाना है, लेकिन जाने नहीं दे रहे, बार बार अनुरोध कर रहे हैं। तो फिर एक विकल्प निकला। क्या विकल्प निकला? कि हमारे दोनों जैसी एक, ठीक जैसे नित्यम प्रभु और महाप्रभु है, ठीक वैसी एक मूर्ति बना दी जाए, शिव विग्रह बनाए जाए। तो जब शिव विग्रह का निर्माण हुआ, जो हम अभी साक्षात यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर शिव विग्रह, इतने सुंदर, देखने में एकदम नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जैसे, एकदम वैसे ही। तो गौरीदास पंडित जी उस विग्रह को देख कर भी बड़े लुब्ध हो गए, बड़े आश्चर्यचकित, ये तो एकदम सेम, एकदम देखने में एक जैसे और बड़े सुंदर। तो कहने लगे ठीक है हम दोनों यहाँ रहेंगे और ये विग्रह चले जाए। लेकिन गौरीदास पंडित जी कहने लगे नहीं, इनको भी नहीं जाने दूंगा। बोलते एक तो जाने तो एक पेड़ तो जाएगा। बोलते नहीं दोनों यहाँ रहेंगे। तो ठीक है फिर हम चले जाते हैं। बोलते नहीं आप भी नहीं जा सकते। इस प्रकार से गौरीदास पंडित जी प्रार्थना करने लगे, परंतु महाप्रभु जी तो अनेक प्रकार की लीलाओं को संपन्न करना, इसलिए एक स्वरूप से वह श्री विग्रह श्री नित्यम प्रभु श्री महाप्रभु जी यहाँ पर विराजमान, जिनको देखने से साक्षात श्री नित्यम प्रभु और महाप्रभु जी का दर्शन, साक्षात दर्शन जैसे वो देखने में लगते थे, जिस प्रकार की उनकी अंग कांति इत्यादि, वो स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। महाप्रभु जी अनेक प्रकार की लीला विनोद करते हुए भी उनकी लीलाओं में बहुत प्रकार की शिक्षाएं भी हैं। जो नए भक्त लोग आए उनको शिक्षा भी है। क्या शिक्षा दिखा रहे हैं? कि विग्रह और साक्षात भगवान में कोई भेद नहीं, नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं, अभिनत्व नाम नामनी, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्व नाम नामनी। जो भगवान वैसे ही उनका नाम, उसमें कोई भेद नहीं। लेकिन क्या हमको अनुभूति होती है? जब हम नाम जप करते हैं तो कहते हैं भगवान आप दर्शन कब दोगे? अरे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नाम जप ही वास्तव में भगवत दर्शन है। जो हम नाम जप करते हैं, महामंत्र जप करते हैं, वो साक्षात भगवत दर्शन ही है। लेकिन हम लोगों को अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतने सारे अनर्थ है, अपराध है। महाप्रभु जी ने कह दिया नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता स्मरण कार मेरे जो दुर्देव है, मेरे जो अनर्थ है, उस कारण से मैं आपके नाम में मेरा अनुराग नहीं हो रहा और ना ही आपके नाम में मेरी कोई अनुभूति भी हो रही है। इसलिए हम नाम कर तो रहे हैं लेकिन उसमें दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा। अब हम देखकर ये श्री गौर नित्यम प्रभु का विग्रह देख कर कहें अच्छा ऐसे लगते थे, ऐसे लगते थे, तो मन में एक प्रकार का संशय आ जाता है। क्यों? यही अनर्थ है हमारा। लेकिन जब भगवान के भक्त जब इन नेत्रों से, किन नेत्रों में? जिन नेत्रों में प्रेम का काजल लगा होता है, प्रेमांजन चुरितम भक्त विलोचनेना संत सदैव विदेश विलोकयंती यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। जब उन
प्रेम रूपी नेत्रों से जब दर्शन करते हैं तो साक्षर विग्रह और साक्षर श्री गौर नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं लगता। महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के विग्रह को देखकर कहते थे, विग्रह नहीं तुम्हें साक्षर ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु जी प्रेम दृष्टि से भाव दृष्टि से उन विग्रह में साक्षर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का दर्शन करें। अब क्योंकि हमारे अंदर ये अनर्थ है, हमको वो गौर नित्यानंद प्रभु का उस प्रकार से हमको संशय होता है। हाँ ऐसे लगते होंगे, लेकिन वास्तव में महाप्रभु जी विग्रह की महिमा को ज्ञापन करते हुए यहाँ पर बतला रहे हैं कि विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए यदि हम विग्रह को एक साधारण काठ की अर्थात लकड़ी पीतल इत्यादि मानते हैं तो नरगामी होना पड़ता है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, अर्चे विष्णु शिलादि गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि। जो भगवान के अर्चे विग्रह में ये भेद रखते हैं, तो पीतल का है, ये लोहे का है, ये चांदी का है, ये लकड़ी का है, और जो गुरुजी में मनुष्य बुद्धि करते हैं कि गुरुजी हमारी तरह ही मनुष्य है, उनको भी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, भूख प्यास लगती है, और जो वैष्णव में जाति बुद्धि करता है तो नरक गामी कर होता है। इसलिए विग्रहों में विग्रह का अर्थ है क्या, जो विशेष रूपेण ग्रहण, जो हमारे भाव को हमारी सेवाओं को विशेष रूप से ग्रहण करते हैं वह विग्रह। तो इसलिए महाप्रभु जी यहाँ पर अनेक प्रकार की लीला संपन्न करते हैं। ये गौर मंडल के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीला संपन्न करते, विशेष करके इस स्थान पर इस तत्व को स्थापित कर रहे हैं कि विग्रह में और साक्षात उनमें कोई भेद नहीं है। हम श्री गौरीदास पंडित जी के स्थान पर आए, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं कि हमारे में अनर्थ वे दूर हो और श्री गौर चरणों में हमारा अनुराग हो, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, गुरुदेव के चरणों में हमारी आसक्ति हो। यही प्रार्थना याचना लेकर हम सभी आपके श्री चरणों में आए हैं। बोले श्री गौरीदास पंडित जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे। सभी द्वारा भी बताएंगे गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय सदाताय कृष्णाय कृष्णकांताय तदभक्ताय नमो नमः। थोड़ा दूर में ले जाओ प्रभु, थोड़ा दूर में चले जाओ। नमो विष्णु पादाय प्रभुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अश्वतश शिष्यमत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टदश शिष्यमत श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परम्परा श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हो श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जय युक्त हो। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति विदान श्रीधर महाराज जी, पूज्य बाद भक्ति विदान से शांति महाराज जी, अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जैसा जो जाता था। हरे कृष्ण। अभी अभी हम लोगों ने आवाज आ रही है तो पीछे तक हाथ उठा के बतलाओ कहाँ तक आ रही आवाज, सब जगह आ रही है। तो अब सुनो इधर ध्यान देकर एक बड़ी अच्छी बात बताएंगे, हम किनके स्थान पर आए अभी जोर से बताओ, किनके स्थान पर? गौरीदास पंडित जी के स्थान पर। देखो जब किसी वैष्णव के या महाप्रभु के परिकरों के स्थान पे जाते हैं तो हमारे गुरुजी एक बड़ी अच्छी बात बतलाते थे। गुरुजी कहते हैं क्या भावना लेकर के जाएंगे, किसी स्थान पर जा रहे हैं कुछ भावना होनी चाहिए तो हृदय में क्या भावना लेकर के जाएंगे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बड़ी अच्छी बात कही है, कवे धाम वासी जने प्रणति करिया मांगी वो कृपा लेश। ये गौरीदास पंडित जी ये वास्तव में धाम वासी है, ये वास्तव में धाम वासी, हम इन धामवासियों के निकट में आए हैं किस लिए, मांगी वो कृपा लेश, आप हम पर एक कृपा की दृष्टि कर दीजिए, हमको अपनी कृपा का एक लेश दे दीजिए, यदि ये हमारे ऊपर में कृपा कर देंगे तो हमको वास्तव में इस चिन्मय धाम के दर्शन हमको संभव हो सकते हैं। समझ आ रही है बात, ये भावना लेकर के कल से हमारी नवदीप परिक्रमा प्रारंभ हो रही है, एक एक स्थान पर जाएंगे हृदय में क्या भावना लेकर के जाएंगे। यदि कोई भावना नहीं होगी तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कसरती भक्ति हो जाएगी,
तो कसरत ही भक्ति नहीं करनी हमको, हमको क्या करना है, भाव भक्ति करनी है, प्रेम भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे भावना लेकर के जाएंगे, क्या भावना, कबे धाम वासी जने प्रणति करिया मांगी वो कृपा लेश, मैं कब धाम वासियों के निकट में जाऊंगा, उनके चरणों में प्रणति, प्रणति माने प्रणाम करके शरणागत होकर उनसे उनकी कृपा का एक कण मांगूंगा। तो हम यहाँ गौरीदास पंडित जी के निकट में आए, उनसे क्या मांगने आए, कृपा का एक कण मांगने आए। यदि गौरीदास पंडित जी अपनी कृपा का एक कण हमको दे दे, हमको क्या वस्तु मिल सकती है, इसको सुनो, एक छोटी सी लीला बतलाते थे हमारे गुरु जी, बड़ी मधुर लीला है, अभी सुन रहे थे ना। ये गौरीदास पंडित जी कौन है, कौन है ये, सुबल सखा है। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने गौर गणोदेश दीपिका में लिखा, सुबलो या प्रिय नर्म सखा सा गौरीदास पंडिता। जो कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में सुबल सखा है ना, वही महाप्रभु जी की लीला में कौन होकर आए, गौरीदास पंडित जी होकर के आए। ये जो सुबल सखा है ना, ये राधा कृष्ण की कैसे सेवा करते हैं, ये है प्रिय नर्म सखा, है ना। सखाओं में भी बहुत प्रकार के सखा हैं, किंतु जो प्रिय नर्म सखा है ना, वो सखाओं में सर्वोत्तम है। कृष्ण के जितने सख्य रस के परिकर हैं, सुबल, अर्जुन, लवंग, उज्जवल, जितने भी प्रिय कृष्ण के सखा, उनमें सर्वोत्तम कौन है, ये सुबल सखा, उनमें सर्वोत्तम सुबल सखा। कैसे सर्वोत्तम है, देखो कैसे सेवा करते राधा कृष्ण की। जब हम उनकी कुछ महिमा को सुनेंगे तो आकर के उनके प्रति क्या होगी, हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखो कैसे सेवा करते, प्रिय नर्म सखा का अर्थ क्या है, कितनी सुंदर सेवा करते हैं। हमारे गुरु जी एक बड़ी मधुर सी लीला बतलाते थे, सुनना ध्यान करके, यदि कथा नहीं सुनी ना, यदि कथा नहीं सुनी थी ध्यान से, और तीर्थ में गए, खूब परिश्रम किया, खूब भ्रमण किया, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन में भ्रम संसिद्धि गोविंद चरण, केवल मन में भ्रम है, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ करना है किंतु हरि कथा सुनते हुए। यदि हरि कथा नहीं सुनी तो भागवत कहते धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पादित यदि रतिम श्रम ए भी केवलम, सब कुछ करके भी यदि भगवान की कथा में रति नहीं हुई है, भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, श्रम ए भी केवलम, केवल श्रम हो जाएगा। तो केवल श्रम करने तो नहीं आए इतनी दूर से, श्रम करने आयो क्या, केवल क्या करने आयो, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति में भी माने प्रेमा भक्ति है। वो कैसे होगी, जब कथा सुनेंगे ना कान से, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे धाम का दर्शन नेत्रों से नहीं होता भाई, धाम का दर्शन कैसे होगा, कानों से कथा सुननी पड़ेगी है, कानों से कथा। तो सुनो कैसे ये सुबल सखा जो है ना राधा कृष्ण की कितने मधुर रूप में सेवा करते। एक समय क्या हुआ, हमारे गुरु जी है ना बड़े ब्रज रसिक, उनके मुख में तो मानो सब समय ब्रज का रस है ना, उसका एक प्रभाव निरंतर प्रवाहित हो रहा है। हमारे गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, बोलो जय, एक बार जोर से गुरु जी की जय, जय शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। उन्हीं की कृपा करुणा से, उन्हीं महापुरुष की कृपा करुणा से हम यहाँ बैठे हैं, और ये जो सारी बातें हम कह रहे हैं ना, जो तो पीछे बोली सब तहार शक्ति, जो कुछ हम कह रहे सब गुरु जी की शक्ति, हमारी अपनी कोई क्षमता नहीं है भाई है। तो गुरु जी सुनाते थे ब्रज की बड़ी मधुर लीला सुनाते थे। एक समय क्या हुआ, राधा जी ने कृष्ण से कहा, क्या कहा, क्या कहा, आपको कैसे पता होगा, हम बताएंगे क्या कहा, आपको कैसे पता होगा, हम बताएंगे क्या कहा। राधा जी ने कृष्ण से कहा, षडंगरी भीमर्पितान कुसुम संचया ना चिनोद खंडम अपिराधिक बहुशिखंड कम त्व दिगिरा। राधा जी कहते कृष्ण से जाओ वन में जाओ और ऐसे फूल लेकर के आओ, ऐसे पत्ते लेकर के आओ जिनको भ्रमरों ने, भौरों ने भी कभी स्पर्श नहीं किया हो। अब कृष्ण तो राधा जी की आज्ञा पालन करने के लिए सब समय लालायित है कि नहीं। तो कृष्ण दौड़े वन में और जाकर के ऐसे पत्ते और फूल लेकर के आए जिनको कभी भ्रमरों ने भी स्पर्श नहीं किया था। अब राधा जी ने अपना आंचल फैलाया, सुनना ध्यान से, समझ में आ रही बात, राधा जी ने अपना आंचल फैलाया और कृष्ण ने वो फूल उनके आंचल में दिए। देते देते राधा जी ने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण मूर्छित होते होते कृष्ण की बंसी जो है ना वो राधा जी के आंचल में गिर गई। कहां गिर गई, राधा जी के आंचल में गिर गई, कृष्ण को पता नहीं चला। अब राधा जी चली गई अपने घर, कृष्ण चले गए अपने घर। अब राधा और कृष्ण अपने अपने घर में बैठे। अब राधा जी की कृष्ण से मिलने की इच्छा है, कृष्ण की राधा जी से मिलने की इच्छा है, मिल नहीं पा रहे। उसी समय में क्या हुआ, राधा जी को कृष्ण के विरह में स्मरण हुआ, रे कृष्ण की बंसी तो हमारे पास में है, समझ में आ रही बात, स्मरण हुआ कृष्ण की बंसी हमारे पास में है। देखो ये गौरीदास पंडित जी है ना सुबल सखा कैसे सेवा करते हैं। अब उन्होंने बंसी निकाली, उनको बड़ा क्रोध आया, पहले तो बंसी के ऊपर, बंसी से कहती है, अरे बंसी तू तो सदवंश में उत्पन्न हुई है ना,
बांस जाति में है ना, बांस कैसा होता है, सीधा सीधा होता है, सीधा सीधा होता है। तू तो सदवंश में उत्पन्न हुई है, फिर तूने हमको मोहन करने वाली ये जो विषम शिक्षा है ये कहां से ग्रहण की है? राधा जी बंशी से कह रही है, क्यों कृष्ण से मिल नहीं पा रही, उनको भिरह हो रहा, तो बंशी से राधा जी वार्तालाप कर रहे हैं। उसी समय में विशाखा सखी और ललिता जी दोनों पास में बैठे। विशाखा जी ने कहा, देखो ये जो कृष्ण की बंशी है ना, इसका बड़ा विशेष वैशिष्ट है। क्या वैशिष्ट है? इसको यदि वायु के सामने कर दो ना, हवा के सामने, इसमें से बड़ी मधुर ध्वनि निकलती है। राधा जी ने कहा अच्छा, तब तो इसकी परीक्षा करें। राधा जी ने उठाया और बंशी वादन करने लगी, बड़ी सुंदर मधुर ध्वनि निकली। है कहां से निकली? बंशी से। बड़ी सुंदर मधुर ध्वनि निकली। जैसे सुंदर ध्वनि निकली ना, ललिता जी ने झट से कह दिया, अरे बंद करो बंद करो, नहीं तो जटिला सुन लेगी। जटिला कौन है? राधा जी की सास है, है? जटिला सुन लेगी, जटिला सुन लेगी। बंद करने से पहले जटिला ने सुन लिया, बंद करने से पहले जटिला ने सुन लिया। भाई दौड़ करके कहती, अरे बंशी का, बंशी की ध्वनि कहां से आ रही है? बंशी की ध्वनि आ रही है इसका मतलब बंशी बजाने वाला भी यही बैठा, समझ पा रहे तुम? यदि बंशी की ध्वनि आ रही है तो बंशी बजाने वाला भी यही बैठा। अब ये तो भयभीत हो गई और झट करके जटिला ने राधा जी के हाथ से क्या किया, बंशी छीन ली। इधर से दुर्मती राधा जी को क्या कहती है, इधर से दुर्मती बंशी, बंशी छीन ली राधा जी के हाथ से। जब बंशी छीनी और क्या कहती राधा जी से, देख पौर्णमासी जी है ना, एक ब्रज में एक पौर्णमासी बड़ी सती सावित्री, वो ब्रज की क्या है, एक प्रकार से ब्रज की समझो अधिष्ठात्री है, देवी है ब्रज की। तो जटिला राधा जी से कहती है, देख ये बंशी आज हाथ में आ गई ना, अब जाकर के तेरी शिकायत करूंगी पौर्णमासी जी से, वो कभी मेरी बात को मानती नहीं। मैं सब समय जाकर कहती हूँ, तेरी शिकायत करती हूँ कि तू घर का कोई काम नहीं करती और सब समय कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, पौर्णमासी मेरी बात नहीं मानती। आज तो प्रमाण मिल गया, समझ में आ रही ना बात, आज तो प्रमाण मिल गया, ले जाकर दिखाऊंगी। अब इतने में राधा जी तो बड़ी भयभीत हो गए। जब भयभीत हुई ना, झट वहां पर कौन आ गए, सुबल सखा आ गए। झट कौन आ गए, सुबल सखा आ गए। अब जटिला ने हाथ में बंशी ली, चली शिकायत करने के लिए पौर्णमासी जी के पास में, सामने से सुबल सखा आ गए, यही गौरीदास पंडित जी, और आकर के क्या कहते हैं, अरे कहाँ जा रही है? जटिला से कहती है, कहते हैं अरे कहाँ जा रही है? वो कहती है पौर्णमासी जी के पास। क्यों जा रही है? राधा की शिकायत करने। क्या शिकायत करने? देख ये बंशी मिली राधा की, ये कृष्ण की बंशी मिली राधा के हाथ में। तो सुबल सखा ने क्या कहा, अरे शिकायत करने बाद में जाइयो, देख तेरे घर में पहले दही चोरी करने वाली एक बंदरिया घुस गई है। मेरे घर में दही चोरी करने वाली एक बंदरिया घुस गई। वो बंदरिया कौन है? राधा जी की बड़ी प्रिय सखी एक बंदरिया, उसका नाम है कखड़ी। क्या नाम है? मैं वो घुस गई तेरे घर में, देख तेरे दही की सारी हंडिया फोड़ दी उसने। अरे जाके शिकायत बाद में करियो, पहले अपनी दही की हंडिया बचा ले। अब वो दौड़ी घर में, अरे हाँ ये तो प्रतिदिन मेरी दही नष्ट कर देती है, दही की हंडिया फोड़ देती है। दौड़ी घर में भीतर, सुबल सखा उसके पीछे पीछे। कौन सुबल सखा? ये गौरीदास पंडित उसके पीछे पीछे। अब उससे कहते मार इस बंदरिया को, मार इस बंदरिया को। अब उसने आवेश में आकर के वही मुरली देकर मारी बंशी बंदरिया, और उस बंदरिया ने क्या किया, झट से उस मुरली को उठाया, उठा करके पेड़ पर चढ़ गई, उठा करके पेड़ पर चढ़ गई। जब पेड़ पर चढ़ गई सारी सखियां प्रसन्न हो गई, अरे आज तो प्राण बच गए, नहीं तो ये तो जाकर पौर्णमासी जी के सामने क्या करती, हमारी नालिश करती, शिकायत करती। अब जटिला आई सुबल सखा से क्या कहती है, कहती है अरे बंशी हाथ से निकल गई, अरे मैं तुझको लड्डू खिलाऊंगी, जाकर ये बंशी ला दे। अब शिकायत कैसे करूंगी बिना बंशी के? मैं तो सुबल सखा क्या कहते, देख ये तो कखटी बंदरी है ना, ये केवल तेरे भांजे, उसके भांजे का, जटिला का एक भांजा है, उसका नाम विशाल, ये केवल तेरे भांजे से डरती है, तेरा भांजा है गोवर्धन में, जाकर उससे बुला ला, वो तेरी बंशी दिला देगा। अब वो अपने भांजे को बुलाने गई, इतनी देर में राधा जी को ले गए, कृष्ण से मिला दिया। बोलो सुबल सखा की, इतनी मधुर मधुर सेवाएं करते राधा कृष्ण की सुबल सखा जी। वो सुबल सखा जी कौन है? वो सुबल सखा जी है गौरीदास पंडित जी। इसलिए गौरीदास पंडित जी के विषय में बड़ी अच्छी एक बात कही हमारे वृंदावन दास ठाकुर जी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, कहते गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति। ये गौरीदास पंडित जी, जार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति। हम क्यों आए गौरीदास पंडित जी के पास में? इनकी इतनी भक्ति इतनी शक्ति है, यदि कोई इनके चरणों में शरणागत हो जाए उनको कृष्ण प्रेम दे देंगे। कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति, इतनी महाशक्ति है कि कृष्ण प्रेम दे भी सकते हैं और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से प्रेम शोषित भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। इतना बलवान, इतना प्रभाव ये गौरीदास पंडित जी का है। तो क्या मांगे बताओ गौरीदास पंडित जी से हम? कृष्ण प्रेम। कौन सा कृष्ण प्रेम?
ब्रज का कृष्ण प्रेम मांगेंगे हैं? क्या मांगेंगे? हमारे गुरु जी यही कहा करते थे, किसी भी स्थान पर जाओ परिक्रमा में, बस एक ही वस्तु मांगना। क्या मांगोगे? बस ब्रज का कृष्ण प्रेम। इसलिए हम इस स्थान पर आए। यहाँ की लीला आपने भी सुनी ना। देखो भक्त किसको कहा गया, शास्त्र में कहा गया प्रणय रसनायाम घृतांगरी पद्मा सब होती भागवत प्रधान युक्ता। वास्तव में भक्त उसको कहते हैं जिसने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया। प्रणय रसनायाम घृतांगरी पद्मा सब होती भागवत प्रधान युक्ता, उसको भागवत प्रधान कहते हैं, भक्तों में प्रधान कहते हैं जिन्होंने अपने प्रेम की रस्सी से भगवान को अपने हृदय में बांध लिया। ये साक्षात उसी भावना का स्थान है। गौरीदास पंडित जी ने गौर नित्यानंद प्रभु को अपने प्रेम की रस्सी से हृदय में बांध दिया। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी अभी दर्शन करना, वो एक चप्पू है बैठा, उससे नौका में बैठकर स्वयं नौका चारण करते करते इस स्थान पर आए, और वो बैठा जो है वो पतवार जो है नौका चलाने की पतवार होती है ना, वो गौरीदास पंडित जी को दे दी। और महाप्रभु कहते लो इस नौका की पतवार से अब तुम भव जीव जो जड़ जगत के बद्ध जीव है ना, इनको भव सागर से पार करो। तो हमारा कितना सौभाग्य है हम गौरीदास पंडित जी के पास में आए। किस लिए? भव सागर से पार जाने के लिए। किस लिए आए? जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जोर से बोलो, कहाँ जाना चाहते हो? भव सागर से पार। इसलिए आए गौरीदास पंडित जी के पास। इनके प्रेम के वशीभूत होकर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ बैठ गए। और जब जाने की इच्छा करते गौरीदास पंडित जी कहते और रुक जाओ दो चार दिन, वो फिर रुक जाते हैं। प्रेम में बंधे हुए हैं ना, किंतु जाना तो पड़ेगा। महाप्रभु ने एक दिन कहा भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा, या तो हम जाएंगे या हमारे बिगड़े जाएंगे, तो तुम एक काम करो, तुम नीम के पेड़ से नीम की लकड़ी से बिगड़े बनाओ। तो गौरीदास पंडित जी ने बड़े सुंदर ये दो बिगड़े बनाए। अब दो बिगड़े हैं, साक्षात नित्यानंद प्रभु महाप्रभु है ये गौरीदास पंडित जी जानते हैं। अब कितने हो गए? दो बिगड़े दो साक्षात प्रभु, कितने हो गए? चार हो गए। अब चारों की सेवा करने लगे। महाप्रभु ने कहा देखो या तो हम दोनों रहेंगे या ये दोनों रहेंगे। अब जब एक को रोके तो दूसरे भागे, दूसरे को रोके तो ये भागे। अब बड़ी विपद में पड़ गए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी साक्षात ये किम वदंती है, एक प्रवाद है, यदि किसी को महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दर्शन करना है वो कहाँ रहते? साक्षात गौरीदास पंडित जी के घर में। तो ये साक्षात बिगड़े हैं। बिगड़े माने देखो एक अच्छी और बात बताऊं छोटी सी। हमारे गुरु जी मथुरा में कथा कर रहे थे और बड़ी सुंदर एक बात बताई, हमने पहले भी कहा। एक बड़ा कोई गणमान्य व्यक्ति है, बड़ा कोई नेता होगा ना, कोई बड़ा धनी व्यक्ति, वो मथुरा मठ में आया। कहाँ आया? मथुरा मठ में। और गुरु महाराज जी ने उसको ठाकुर जी के सामने ले जाके दर्शन कराया। तो वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, इतना बुद्धिमान, उसने बिगड़े को देखकर झट से बता दिया गुरु जी को, महाराज जी आपके जो ये बिगड़े है ना, ये जिस पत्थर के बने हैं वो पत्थर जयपुर से आया, बिगड़े का दर्शन नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है? इतना इतना बुद्धिमान है, इतना बुद्धिमान, पत्थर को देखकर बता दिया ये पत्थर कहां से आया, ये जयपुर से आया। तो गुरु जी संध्या के समय में कथा में कह रहे हैं इतना बुद्धिमान है कि दूर से बिगड़े को देखकर बता दिया किस पत्थर का बना है और ये पत्थर कहां से आया, जयपुर से। किंतु ये साक्षात भगवान है, कृष्ण है, ये बुद्धि नहीं आ रही है, ये बुद्धि नहीं आ रही है। जैसा भी सुन रहे थे ना, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप, भगवान का नाम, भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, ये तीनों एक हैं। तो गुरु महाराज जी कहते ये बुद्धि कैसे आएगी, कैसे आएगी ये बुद्धि? ये बुद्धि आएगी वैष्णवों के संग में। किसके संग में? वैष्णवों के संग में। बिना वैष्णवों के संग के जाएंगे, ठाकुर जी हमसे बात करेंगे, ठाकुर जी कथा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमारे परम गुरु जी कथा सुनाते थे, दो ब्राह्मण थे, एक बूढ़ा और एक जवान। कौन कौन? एक बूढ़ा एक जवान, दोनों गए तीर्थ यात्रा करने। अब जब तीर्थ यात्रा करने गए तो जो जवान ब्राह्मण था उसने बूढ़े ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। अब बड़ी जब सेवा की तो बूढ़े ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के कहा जब हम तीर्थ से वापस जाएंगे ना तो मैं अपनी बेटी तुमको दान कर दूंगा, माने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे कर दूंगा, विवाह तुमसे कर दूंगा। उसने कहा देखो ठाकुर जी के सामने शपथ खा रहे हो, क्योंकि हम है थोड़े निम्न जाति के ब्राह्मण, तुम हो थोड़े ऊंची जाति के ब्राह्मण, जब तुम घर में वापस जाओगे तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा मैं ठाकुर जी के सामने शपथ खाकर कहता हूँ अपनी बेटी का ब्याह तुमसे करूंगा, चाहे पूरा समाज पूरा कुनबा मेरे विरुद्ध हो जाए। अब पूरी तीर्थ यात्रा हो गई, दोनों वापस में आए। अब थोड़े दिन के पश्चात में बूढ़ा ब्राह्मण तो भूल गया, घर जाकर भूल गया, छोटा ब्राह्मण जो जवान ब्राह्मण था, जो युवा ब्राह्मण था, उसके पास में आया और उससे क्या कहता देखो तुमने ठाकुर जी के सामने क्या दिया था, शपथ की थी अपनी बेटी मुझसे ब्याह हो गया। अब जो बूढ़ा वाला वृद्ध है ना ब्राह्मण है, वो चिंता में पड़ गया कैसे ब्याह, सारे घर के लोग तो विरोध कर रहे हैं। तो सारे घर के लोगों ने एक पंचायत बिठाई, छोटे ब्राह्मण ने क्या कहा इसने शपथ दी थी वृंदावन में, तो जो बूढ़ा ब्राह्मण था उसके पुत्र कहते अच्छा जिसके सामने शपथ दी थी उसको ले आओ यहाँ पर, यदि वो यहाँ पर आकर साक्षी दे दे हम अपनी बहन का विवाह
और वो बूढ़ा ब्राह्मण कहता है मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। जो छोटा ब्राह्मण था ना वो बड़ा सरल हृदय का था, गया वृंदावन। वृंदावन में जाके गोपाल जी के सामने खड़ा हो गया और गोपाल जी के सामने खड़ा होकर क्या कहता, देखो तुम तो ठाकुर जी हो ना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारा भक्त हूं, अपने भक्त की लाज रखना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे सामने उस बड़े ब्राह्मण ने शपथ खाई थी, तुमको चलकर मेरे साथ में साक्षी देनी पड़ेगी। इतनी सरलता से कहा, इतनी सरलता से कहा। ठाकुर जी ने उससे कहा, रे तुमने कभी सुना है बिगड़े चलता है? ठाकुर जी ने उससे क्या कहा, तुमने कभी सुना है बिगड़े चलता है? वो कहता, आपने कभी सुना है बिगड़े बोलता है? वो ब्राह्मण क्या कहता, आपने कभी सुना है बिगड़े बोलता? तो जो बोल सकता है वो चल भी सकता है, जो बोल सकता है वो चल भी सकता है। इस बात को सुनकर ठाकुर जी गिर गए। वृंदावन से चलते चलते कहां गए साक्षी देने? साक्षी गोपाल, जगन्नाथपुरी के पास में ना साक्षी गोपाल। तो ये साक्षात कौन है? ये पत्थर की मूर्ति नहीं, लकड़ी की मूर्ति नहीं, साक्षात ठाकुर जी है। यदि हमारे भाव नेत्र आ जाए ना, प्रेम नेत्र आ जाए, यही ठाकुर जी साक्षात हमसे बात करने लगे, साक्षात हमसे कथा बोलने लगे। गौरीदास पंडित जी प्रतिदिन बहुत सारे व्यंजन बनाते थे, गौर नित्यानंद प्रभु ने देखा, रहे ये तो वृद्ध हो गए, अब इनसे सेवा नहीं लेंगे। तो एक दिन भोजन नहीं किया इन्होंने, भोजन नहीं किया गौरीदास पंडित जी ने भी, भोजन नहीं किया, आप नहीं खाओगे तो हम कैसे खा ले, बाध्य होकर के उनको फिर सेवा स्वीकार करनी पड़ी। तो ये साक्षात क्या है? हमारी धाम परिक्रमा जब ही सफल हो जाएगी, यदि हम ऐसे प्रेम नेत्रों से, भाव नेत्रों से वैष्णव के अनुगत्य में क्या करेंगे, ऐसे हरि कथा श्रवण कीर्तन करते करते हम धाम दर्शन करेंगे ना, तब वास्तव में हमारी परिक्रमा सफल होगी। आगे कहने को बहुत सारी कथाएं हैं, किंतु अभी महाराज जी भी कहेंगे, सब कुछ कह देंगे तो फिर एक बार में बहुत कुछ सुन कहना भी है ना, बहुत कुछ, नींद भी आ रही है कुछों को, प्रातः काल से प्रसाद भी नहीं पाया ढंग से, तो बहुत सारा नहीं कहना चाहिए। बस इतना ही, गौरीदास पंडित जी के चरणों में प्रार्थना करो, हमको भी किसी ना किसी प्रकार से जो ब्रज भाव ब्रज प्रेम है ना, इसका एक छीटा कूटा हमारे हृदय में आ जाए। जय श्री गौरीदास पंडित जी की। मैं जो जो बोलने चाह रहा था ना, प्रभु जो बोल रहे हैं तो बोल मेरे लिए आगे आगे से आगे से। हम लोग समीर वैष्णव में आने वाले में श्री अंबिका कालना में आए, इस स्थान का नाम है कालना। क्या नाम है ये कालना? नाम क्यों पड़ा है, कारण क्या है? अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, जब श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पर आए और कितने इनके अंदर में अंतरंगता है, कितनी अंतरंगता है इनके अंदर में। जब जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जाना चाहते हैं कि एक गौरदास पंडित रोने लग जाते हैं, आपके बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ? क्यों? आप लोगों ने सुना ना, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन है? वही कृष्ण जी अभी श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, वही जो सुबल सखा है अभी क्या बन करके आए, गौरीदास पंडित। प्रभु जी ने एक सुंदर स्टोरी सुनाई ना, कितने कृष्ण के अंतर, मैं भी एक छोटी सी कथा सुना देता। बोले एक समय क्या हुआ, श्री राधा रानी श्याम सुंदर को बोले थे, देखो श्याम सुंदर आज हम आकर के आपको साथ में कुंज में मिलेंगे। अभी श्याम सुंदर अपना हाथों से सुंदर कुंज बनाए श्री ईश्वरी जी के लिए, बड़े सुंदर फूल और पत्ते की बड़े सुंदर कुंज बनाए श्री श्याम सुंदर। लेकिन राधा रानी आई नहीं रही, जब आई नहीं रही है श्याम सुंदर इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए और श्री सुबल सखा को बोले कि ये प्रिय नर्म सखा है, ये इनके श्रृंगार रस में इनके प्रवेश है। इसलिए जब राधा कुंड में विशेष करके जाते थे, जब सूर्य कुंड में जाते थे विशेष करके इनके अंदर में श्रृंगार रस की कुछ कुछ भावनाएं, कहते इनके अंदर में श्रृंगार रस की कुछ कुछ भावनाएं। और देखने में कैसे जानती हो, राधा रानी और इनको खड़े कर दो ना, समझ नहीं पाएंगे कि राधा कौन और श्री सुबल सखा कौन है, इतने इनके फेस को फेस मिलता है। बोले आज तो मैं राधा रानी की विरह में प्राण त्याग कर रहा हूँ, इसलिए तुम किसी तरह से श्री किशोरी जी से मेरे को मिलन कराओ। तो सुबल सखा ने क्या, मैं कोशिश करता हूँ। इतने में सुबल सखा आगे कहाँ पर जावट में, जहाँ पर श्री राधा रानी का घर है वहां पर आ गए, आ करके बोले इतने में जो जटिला कुटिला जो सास और ननद है, इनका नाम है जटिला और कुटिला। जटिला मतलब क्या, जट को कहना, कुटिला मतलब कुट 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 करना है, जैसे सास वो हर समय क्या करती है, सास और ननद बहू को पीछे हर समय में क्या करती है, क्या बात है, आ गई थी इतने देर क्यों हुई है। इसलिए जान बुझ करके चोक माया ने
इनको, क्योंकि कृष्ण को साथ में अगर इनके आसानी से मिलन हो जाए, फिर मिलन की दुर्लभता नहीं रह जाएगी। इसलिए योग माया ने राधा कृष्ण लीला को पुष्टि करने के लिए, इनके मिलन रस को पुष्टि करने के लिए उनको ऐसे बनाए। इतने में सुबल सखा आ गए, बोले तू किस लिए आया हो? बोले मेरे के लिए बछड़ा कहीं घूम गया है, वो बछड़े को घूमने के लिए ढूंढने के लिए आया हूँ। बोले यहाँ पर क्यों? बोले लगता है इसके घर में, तुम्हारे घर में चली गई। बोले मेरे घर में काम था, बोले लगता है यहीं पर आ गए। बोले ठीक है देख लो। इतने मंदिर में आ गए, अंदर में आ गए थे, बोले हे राधे आज श्याम सुंदर अपना हाथों से तेरे लिए सुंदर कुंज बनाए, अगर तुम नहीं जाओगे ना श्याम सुंदर कह रहे प्राण को त्याग दे देंगे, इसलिए किसी तरह से जाकर के श्याम सुंदर से मिलो। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? और राधा जी की जो चेहरा और सुबर सखा का चेहरा एकदम एक ही है। बोले एक काम कर, तू मेरे ड्रेस को पहन ले और तेरे ड्रेस को मैं पहन लेता हूँ। दोनों ड्रेस को अदला बदला कर दिया और जो सुबल सखा थे ना वो एकदम राधा रानी बनकर घर में बैठी गई। और जो राधा रानी थी उसने किया कि राधा रानी ने अपना ड्रेस को बदला करके और एक बछिया को, छोटा एक बछड़े को अपने गोद में ले लिया। जब गोद में ले लिया स्त्री भाव उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतने में ठीक राधा रानी के गला की इसकी आवाज है, बोले देखो। इतने में जटला कुटला को लेके बछड़ा मिल गया, बोले मिल गया, बोले जा चले जा। लेकिन वो राधा रानी थी, क्योंकि अभी गोद में किसको ले लिया, उसने बछिया को ले लिया। लेकर के उन्होंने आए, लेकिन ये श्याम सुंदर भी ये सुबल सखा राधा रानी को पहचान नहीं पा रही कि राधा ना सुबल सखा है। इतने में राधा रानी आकर खुद कह रही है सुबल सखा के गला में जैसे। इतने में कृष्ण ने पूछा राधा रानी आएगी कि नहीं? बोले राधा रानी किसी तरह से मैंने बहुत कोशिश कर ली, राधा रानी नहीं आ सकती है। बोले अभी मैं प्राण त्याग कर रहा हूँ। जब इतने बोली ना, इतने में उनने जो बच्चिया को गोद में लिया था, बच्चिया को उन्होंने नीचे उतार दिया। उतार दिया तो किसने देखा? उन्होंने कहा क्या है? श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। कहते ये जो सुबल सखा है, ये जो कौलदास पंडित है, देखो राधा रानी को कैसे श्रृंगार रस में कैसे ये सेवा करने वाली। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब गंगा को पार करते हुए आए, इसलिए इनके घर में आए, क्योंकि उनके श्रृंगार रस में राधा कृष्ण को जो हम कहते ना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली राधे सलीलन, राधा कृष्ण को मिलन कराने वाले श्री कौलदास पंडित, इसलिए उनका प्रिय नर्म सखा जब यहाँ पर आए। आप लोगों ने सुना है जैसे किसी तरह से इतने सेवा करते थे, इतना। अब जैसे आपका उत्तर प्रदेश में ना एक दाल एक सब्जी हो गया, बंगाल में ऐसे नहीं, तीन चार तरह का दाल होनी चाहिए, तीन चार तरह का साग भाजी होनी चाहिए। और पता नहीं अब महाप्रभु चैत्र चैतामृत को पढ़ करके देखो, महाप्रभु कैसे भक्त लोगों की सेवा करते हैं, इतने तरह तरह का पूरे हो गए, इतने तरह तरह का सेवा करते हैं। जब महाप्रभु खिलाते थे, इतने में महाप्रभु क्रोधित हो जाते थे, बोले तुम वृद्ध हो गए, उसने बनने का क्या जरूरत है, दो चार पद बना देता ना। बोले प्रभु आज ही प्रसाद पाओ, कल से एक दो बना दूंगा। अरे दूसरे दिन सवेरे से बंगाल में देखोगे हमारे गौरी मठ में एक बार प्रसाद खत्म किया, दूसरे बार बनना शुरू हो गया, क्योंकि इतने तरह तरह का बनाते हैं बंगाल में। पहले दूसरे दिन इतने बनाते थे, इतने बनाते थे, पहले महाप्रभु है महाप्रभु रुक जाते, फिर भी इतना तरह का बना, क्यों प्रिय नर्म सखा जैसे दोस्त दोस्ती में बड़े प्रेम होता है। फिर बोले पर कल से ऐसे किसी तरह से, और जब ये जाने के लिए तैयारी हुए, अब समझ रहे हो कितने सेवा करने वाले, तो रोने लग गए, रोने लग जाते थे। बोले बताओ क्या करना चाहते हो? बोले आप यहाँ छोड़कर नहीं जाना। तब उन्होंने नीम की लकड़ी से उन्होंने दो मूर्ति बनाए। जब मूर्ति बनाए, इतने में कालना नाम क्यों पड़ा? कालना नाम इसलिए पड़ा, महाप्रभु जब जाने के लिए तैयार होते थे, बोले प्रभु और एक दिन रुक जाना, कल चल जाना, आज ही रुक जा कल ही चले जाना। महाप्रभु जब फिर कल जाने के लिए तैयारी होते ना, बोले काल ना, बोले काल, बोले कल जाना। फिर जब जाने के लिए तैयारी होती थे क्या बोले थे? ना, बोले काल ना, इसलिए ये नाम पड़ गया क्या? काल ना नाम पड़ गया। अभी प्रश्न है, आप लोग देखो यहाँ पर आप लोग को आए जब दर्शन करने के लिए, आपको एक नजर से ठाकुर को दर्शन करने दिया, वो जगह में ये झांकी दर्शन होता है, काम कहाँ पर वृंदावन में इतनी बातें नहीं आ रही और एक यहाँ पर, केवल दो जगह में ही ठाकुर को झांकी दर्शन होता है। बांके बिहारी में क्यों होता है?
क्योंकि वहां पर कोई एक प्रेमी की भक्त है, ठाकुर तो प्रेम के भूखे हैं और ठाकुर जी को जिससे उन्होंने प्रेम किया, ठाकुर जी मंदिर छोड़कर भाग गए, मंदिर छोड़कर भाग गए। इसलिए प्रेम कब होता है? जब आंखों से आंखों मिले तभी प्रेम होता है, आंखों से आंखों मिले बगैर प्रेम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, बोले यहाँ पर इनका एक शिष्य था जिनका नाम था चैतन्य। चैतन्य क्या होता था, यहाँ पर जब महाप्रभु की जन्म उत्सव आए, यहाँ पर विशाल वैष्णव को बुला करके विशाल महोत्सव हुआ करता था। लेकिन इतने में जब गौरदास पंडित वो कहीं बाहर गए हुए थे, जब शिष्य ने देखा ये गुरु जी तो बाहर गए, अभी एक दो दिन बाकी रह गया, हर साल इतने धूमधाम से उत्सव हुआ करता था, अभी तक तो गुरु जी आए नहीं, अभी क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने वैष्णव का निमंत्रण देख करके महाप्रभु का जन्मोत्सव का दिन जैसे हम आए, हम लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पर उत्सव करवाया। जब उन्होंने उत्सव कराया इतने में गौरदास पंडित आ गए, जब आए देखा बड़े धूमधाम से साधु संतों को बुला करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इतने में गुरु जी आकर के बोले, तेरे को किसने निर्देश दिया है ये कीर्तन जो उत्सव करने के? बोले गुरु जी आप चले गए थे, हर साल ये उत्सव होता था हर साल, इसलिए मैंने देखा इस साल भी उत्सव होने के लिए इसलिए मैंने बुलाया। बोले बिना मेरे आदेश के बगैर, कैसे क्या देते हैं भैया, जब तक तो गुरु जी से कोई आदेश नहीं लो ना तब तो कोई काम को नहीं करनी चाहिए। जैसे नहीं गुरु अभी कलि युग में अभी गुरु चले हो गए, चले है ना गुरु जी हो गए, इसलिए कलयुग में अगर शिष्यों को बोले तो वहाँ पर जब सेवा करने के लिए बोले नहीं वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, मेरी इच्छा जहाँ पर वही जाऊँगा, भैया ये शिष्य चले नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते तीन तरह का सेवक है, एक उत्तम एक मध्यम और एक कनिष्ठ। तो उत्तम कौन है जो मन की भावना समझ कर करे, मध्यम कौन है गुरु जी जो आदेश दे उसको नतमस्तक होकर करे। बोले अधम क्या है, बोले सेवक जो गुरु जी के आदेश हो। बोले गुरुदेव अगर यहाँ पर जाने की इच्छा नहीं, हम वहाँ जाना चाहते हैं। भैया गुरु कौन हो गया, चला तू तो गुरु हो गया, गंगा सागर जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे। इसलिए कहते ये सेवक नहीं, गुरुदेव कहते से भक्त से, कहते से को हटा लो क्या रह जाएगा, ये कलयुग में बबुला सेवक है, ये सेवक सेवक नहीं, सेवक का नाम ही अधम है सबके सेवक। इसलिए गुरु जी ने शिक्षा देने के लिए बोले बगैर आदेश से तुमने क्यों उसको अनुष्ठान करा, निकल जा यहाँ से। लेकिन सचमुच से वो शिक्षक थे, जब यहाँ से चले गए, अभी हम गंगा पार हुए ना, उन्होंने यही पर जाकर उन्होंने वहीं पर कीर्तन करना शुरू किया, दर्शन कर लो, ठाकुर दर्शन दे दिया। बोले श्री नित्यानंद महाप्रभु की चले जाएंगे वो। इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, तब उन्होंने गुरु जी यहाँ पर जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है, हाँ ध्यान देकर सुना, दर्शन कर लगे। इसलिए यहाँ पर जो नित्यानंद प्रभु और जो महाप्रभु थे, अभी प्रभु लोग बता रहे थे ना, कहते महाप्रसाद नाम वैष्णव स्वल्प पुण्य बता राजन विश्वास नहीं बजाये, जिनका कम पुण्य है, जिनका पुण्य कम है, यदि ये विग्रह में उनका विश्वास नहीं होता है। अरे ये क्या सचमुच है ठाकुर, अरे महाराज टिकट कौन चीज की, ये क्या लकड़ी की बना हुआ ना पत्थर का बना हुआ है, नहीं ये अपराध है, अपराध है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो विग्रह है ये विग्रह नहीं। गुरुदेव एक बात कहते थे, हम लोग तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दर्शन नहीं किया, दर्शन किए हो नहीं, गुरु जी कहते थे जब यहाँ आकर के हम तो देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो विग्रह बनाए थे वो विग्रह यहाँ पर चलते चलते चले गए यहाँ से, लेकिन जो विग्रह चले गए और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो साक्षात रूप में यहीं पर रह गए, यहीं पर रह गए। इसलिए गुरु जी कहते थे हम तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को दर्शन नहीं किया, लेकिन इनको दर्शन करने से साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर साक्षात प्राप्त होगा, पिता गौर ब्रह्मानंद। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ,
ये विग्रह देखो कैसे विग्रह इन्होंने यहाँ से मंदिर छोड़कर चले गए। जब गौरीदास पंडित साय ने दिया था, जब दरवाजा खोला था ठाकुर यहाँ पर है ही नहीं, ठाकुर जी बोले ठाकुर जी कहाँ चले गए, ठाकुर तो यहाँ पर है ही नहीं। तब उन्होंने देखा डंडा लेकर, दोस्त थे ना, डंडे लेकर ढूंढने कहाँ गया, ये कहाँ गया महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मेरे मंदिर छोड़ करके। जब ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे पे गए ना, वहां पर साक्षात रूप में देखा, क्या देखा, इनका जो शिष्य थे चैतन्य और ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहां पर उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, वहां पर उद्दंड नृत्य कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा गौरीदास पंडित डंडा लेकर के आ रहे हैं, देखा ये दोस्त लगता ना प्रिय धर्म दोस्त है, बोले भैया लगता है आज तो पिटाई होने वाली, आगे हमारे पिटाई होने वाले, वहां पर पिटाई करो पिटाई होने वाले। इतने उन्होंने झरकमार किया, किया उनका जो चैतन्य का शिष्य था ना, उनका हृदय में गौरा ठाकुर जी प्रवेश कर गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य नाम पड़ गया। इसलिए इनका ही बड़े भाई सब इनका ही दो बेटी थी, कौन बेटी थी, जानमा और वसुधा, जो नित्यानंद प्रभु का जो दोनों पत्नी बने, तो उनकी पत्नी बने। इसलिए यहाँ पर आने पर जब हम ये ठाकुर को हम दर्शन करते हैं, साक्षात ठाकुर भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दर्शन करने का फल मिलता है। अभी हमारे श्री संजय प्रभु बोल रहे थे ना, जिसका नाम कथा सुना रहे थे, संजय प्रभु कथा में साक्षी गोपाल की कथा। देखो ठाकुर जी जब राजा रानी वहां पर दर्शन करने के लिए आए साक्षी गोपाल को, क्योंकि साक्षी गोपाल सभी को सामने साक्षी देकर के बोले ठाकुर जी बोले इन्होंने प्रतिज्ञा की थी अपना बेटी को मेरे साथ में शादी देने के लिए, लेकिन परिवार का दबाव में आकर के मना कर रहा है, साक्षात उन्होंने साक्षी दिया, इसलिए ठाकुर का नाम पड़ेगा साक्षी गोपाल नाम पड़ गया। इतने में रानी भी दर्शन करने के लिए साक्षी गोपाल को आई थी, रानी को पास में हीरे की बेहतर थी, हीरे की बेहतर। अभी उन्होंने ठाकुर का दर्शन किया, जब चले गए सोच रही थी अगर ठाकुर के नाक में अगर छेद होता तो हम ठाकुर जी और नाक में ये हीरे की बेहतर बैठा, उनके मन में इच्छा हुई। लेकिन जब रात को सोए ना, वो साथी जो गोपाल थे स्वप्न दिए, बोले आपकी इच्छा मेरे लिए हीरे की बेहतर बैठाने के लिए, जब मैं छोटा बच्चा था मेरी मैया ने, जसोदा मैया ने मेरे नाक में एक उन्होंने छेद की थी, अभी जो छेद है हाँ करके थोड़ी सी हटा करके मिट्टी को हटा करके देखना वो छेद है। सचमुच राजा को बोला हाँ करके देखा ठाकुर के नाक में छेद है, क्योंकि ऐसे भक्तवत्सल ठाकुर जी, इसलिए ये ठाकुर नहीं जो साक्षात भगवान है। इतने में उनको पास में राधा रानी नहीं थी, वो कृष्ण अकेले थे साक्षी गोपाल में, अभी राधा जी के बगैर कृष्ण को मन कहाँ लगता है, उनको मन नहीं लगता। इतने में राधा रानी वो पुजारी की बेटी बन करके राधा रानी आई, जब साक्षी गोपाल को स्वयं करा थे ठाकुर जी मंदिर में नहीं सोते हैं, वो जो पूजा की बेटी को पास में जाकर ठाकुर जी रात भर बिताते हैं वहीं पर सोते हैं, वो सोते नहीं मंदिर में। इसलिए नियम है जब ठाकुर का दरवाजा खोले ताली बजाने की घंटी बजाओ, पता नहीं ठाकुर जी अंदर, ठाकुर जी बोले हाय एक बेटा मंदिर में है, अब तो मंदिर बोल के हमें तो बेटी को पास में सो रहा हूँ। इतने में साक्षी गोपाल जी जल्दी जल्दी भागे और आकर खड़े हो गए, आकर खड़े हो गए, लेकिन वहां पर सोने की बंसुरी छोड़ कर आ गई। पुजारी को तो ये बात पता नहीं, पुजारी का हल्ला मचा दी, ठाकुर का सोने की बंसुरी चुरी हो गई। इतने में सियाई लगाए तो देखा पुजारी की बेटी को घर में सोने की बंसुरी मिली, बोले दुष्ट तुमने सोने की बंसुरी चोरी करके हल्ला मचा दिया, चोरी हो गई, बंद कर इसको जेल में, जेल में बंद कर दिया। साक्षी गोपाल देखा भैया मेरे ससुर साहब जेल में चले गए, मेरे ससुर जी जेल में चले गए, मैंने बंसुरी छोड़े। इतने में ठाकुर जी सबको ने दिया महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, आप मेरे पर राधा रानी के बगैर खड़े कर दिए, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। इसलिए बेटी मन करके पूजा की, अभी राधा रानी आई उसको 16 श्रृंगार पहना करके लाओ और मेरे को शादी करा। तब उन्होंने ठाकुर को बेटी को फिर उन्होंने श्रृंगार करके लाए, फिर मंदिर में प्रवेश करके मंदिर बंद हो गया, फिर देखा बेटी है ही नहीं वहां पर। फिर राजा ने सुंदर राधा रानी को स्थापन की, मतलब ये जो ठाकुर जी है कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं और द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं सबर के जैसे तो खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं प्रतियोगिया जैसे तो नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं मैया चतुरा जैसे तो, इसलिए तुम्हारे घर में जो ठाकुर है गुरु जी सीए हुए ठाकुर जी
उसको साक्षात भगवान मात्र पूजा करना, आत्मबद्ध ऐसे नहीं एक स्टैचू जैसे मंदिर में बैठा दिया, खुद तो श्रीनिवास चार बार सारे वो ठाकुर भूखे पड़ेंगे, दिन में दो तीन बार ड्रेस बदला रहे हो, 15 दिन में ठाकुर जी एक ड्रेस पहने होंगे, ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर को साक्षात भगवान मान करके प्रेम से ठाकुर को सेवा करो, वही ठाकुर ही एक दिन तुम्हें भगवत प्रेम देने वाले। इसलिए आज हम लोग गुरु वैष्णव की अनुगत्य में अभी का साधन आए, ठाकुर को दर्शन किया, इसलिए यहाँ पर ठाकुर को क्या हो रहा है, ये पर्दा बार बार क्यों खोलते हैं, कारण क्या है, कारण तब से ये झांकी दर्शन होता है क्यों, फिर ठाकुर को भरा देने और कोई नहीं, जैसे उनका चेला ने ले लिया था ना, इसलिए फिर लेनी था, इसलिए यहाँ पर झांकी दर्शन होता है। इसलिए हम लोग गुरु जी के चरण में प्रार्थना करते हैं, परिसमा से पहले अक्षत रूप में श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमारी दर्शन हो गया इनको, इसलिए हम यही बोल करके अपना वक्तव्य को समाप्त करते हैं। अभी हम लोग चलेंगे, अभी हम लोग चलेंगे।